Assalamualaikum student. I hope you all are fine. This is your drawing journal book, class 2. आप लोगों को मैंने first assignment में mango and chair दो चीजें मैंने आपको बनवाई थी. आज हमारा second assignment है. आज मैं आपको table बनवाऊंगी एंड सेकेंड इंक पॉट. ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले वर्क स्टार्ट करने से पहले आप मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे. स्केल की हेल्प से आपको लाइन ड्रॉ करनी है. स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी और सेकेंड लाइन आप टॉप ऑफ द हेडर ड्रॉ करेंगे. ये आपने टू लाइन्स इस तरह से ड्रॉ करनी है. सबसे पहले हम यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे जिस डेट पे आपका वर्क आपको होमवर्क दिया जाएगा सेंड किया जाएगा. आप वो डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे. क्वेश्चन है आपका ड्रॉ आ टेबल. टेबल हम ड्रॉ कर रहे हैं. आप में से किसी को टेबल ड्रॉ करनी आती है? स्केल की हेल्प से रूलर से हम टेबल ड्रॉ करेंगे. आपने स्केल को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे हॉरिजॉन्टल में. पेंसिल की निब आपकी शार्प होनी चाहिए. लाइट पेंसिल यूज कीजिएगा ताकि आपको रब करने की नीड हो तो आपकी कॉपी खराब नहीं. स्टूडेंट आप देख रहे हैं जिस तरह से लाइन ड्रॉ कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको लाइन ड्रॉ करनी है. स्टूडेंट अब आपको लाइंस ड्रॉ करनी है. सबसे पहले हम यहाँ पे बैक की साइड पे यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट. टू लाइंस ड्रॉ करूंगी मैं. ठीक है ताकि हम इसमें इस लाइन में कलर करेंगे तो इसलिए मैंने ये टू लाइंस ड्रॉ की. फ्रंट पे आप बिल्कुल इसी तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. ये भी आपकी टू लाइंस ड्रॉ होंगी इक्वल. एंड लास्ट इस तरह से आपको फोर लाइन्स ड्रॉ करनी है बिल्कुल स्ट्रेट.
ये आपकी टेबल ड्रॉ हो गई है। अब इस टेबल में आप कलर करेंगे। टेबल में हम कौन सा कलर करेंगे? ब्राउन कलर यूज करेंगे हम। ब्राउन कलर है ये आपका, कलर आपका शार्प होना चाहिए। और आपने जो टेबल ड्रॉ की है, जिसकी आउटलाइन है, ठीक है, इससे बाहर आपके कलर नहीं जाना चाहिए। आपका कलर जो है सिर्फ टेबल के अंदर होना चाहिए, आउटलाइन से बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहिए। पहले आप इसकी आउटलाइन की पास यहाँ पे आउटलाइन कंप्लीट कर लीजिए कि जब आप इजीली जो है फिर कलर को मूव कर सकेंगे। टेबल की जो आउटलाइन है पहले मैं ये कंप्लीट कर रही हूँ। ताकि आपको कलर करने में इजी हो जाए। ठीक है, अब आप इसमें टेबल में आराम से इजीली अपना हैंड मूव कर सकते हैं। कलर बहुत अच्छा सफाई से कीजिएगा और इक्वल होना चाहिए आपका कलर, हर तरफ से इक्वल होना चाहिए। ये जो टेबल में हमने डबल लाइन ड्रॉ की थी, यहाँ पे भी हम यही ब्राउन कलर यूज करेंगे। कलर कंप्लीट करने के बाद आप देखिएगा कि कहीं पे अगर आपको वाइटनेस लग रही है तो आप उसे सही कीजिएगा कि वहाँ पे भी कलर इक्वल होना चाहिए, वाइटनेस आपकी कहीं पे नज़र नहीं आनी चाहिए। जो हमने यहाँ पे डबल लाइन ड्रॉ की थी कलर करने के बाद, आपकी वो लाइन जो है हमें क्लियरली नज़र नहीं आ रही, तो मैं क्या करूँगी, मैं स्केल की हेल्प से कलर से ये लाइन ड्रॉ करूँगी। जो लाइन मैंने पहले पेंसिल से ड्रॉ की थी, मैं उसको इन्हेंस करने के लिए कलर से मैं ड्रॉ कर दूँगी। पेंसिल पे मैं कलर यूज़ कर रही हूँ ताकि आपकी जो ये लाइन है ये इन्हेंस हो जाए, आपको नज़र आए कि आपकी टेबल का शेप क्या है।
अब आप देखिए आपको ये टेबल का जो शेप है, जो आपकी लाइंस कलर करने के बाद इनहेंस नहीं हो रही थी, वो मैंने कलर से ही ड्रा कर दी है। अब आपको टेबल का शेप क्लियरली नज़र आ रहा है। अब जो हमने बैकवर्ड और फ्रंट पे जो लाइन ड्रॉ की थी, इसमें भी हम ब्राउन कलर ही यूज़ करेंगे। अब ये इन लाइंस को भी मैं कलर से इनहेंस कर दूंगी। ठीक है, ये वाली लाइन भी मैं आपकी कलर से ड्रॉ कर रही हूँ। ताकि आपको क्लियरली नजर आए। स्टूडेंट ये आपकी टेबल कंप्लीट हो गई है। ठीक है, बहुत अच्छे से सफाई से आप ड्रॉ कीजिएगा, लाइट पेंसिल यूज़ कीजिएगा और ड्रॉ करने के बाद कलरिंग बहुत नीट होनी चाहिए आपकी। सेकेंड, अब हम ड्रॉ करेंगे इंक पॉट। इंक पॉट हम सेकेंड पेज यूज़ करेंगे इंक पॉट ड्रॉ करने के लिए। तो सबसे पहले आपको सेकेंड पेज पे मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट होगी आपकी लाइन, ये टू लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं, डेट। सबसे पहले आप डेट मेंशन कीजिएगा, क्या ड्रॉ कर रहे हैं हम, ड्रॉ एंड इंक पॉट। स्केल की हेल्प लेंगे हम। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन आपने वर्टिकल ड्रॉ की है। सेकेंड, आप लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल। जो हमने फर्स्ट वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, इसी के अपोजिट हम यहाँ पे इक्वल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि आपकी फर्स्ट लाइन के इक्वल होगी। ठीक है, दोनों के साइज इक्वल होने चाहिए। ये देखिए आप, दोनों इक्वल हैं। अब हम यहाँ पे इंक पॉट का कैप ड्रॉ कर रहे हैं।
प्लस ये जो हम इसका कैप ड्रॉ कर रहे हैं, जो मैंने अभी कैप ड्रॉ किया है, इसके जो ये कॉर्नर्स हैं यहाँ से हम इसे थोड़ा सा राउंड कर देंगे। स्केल से ड्रॉ करने के बाद आप इसके कॉर्नर को हल्का हल्का सा रब करके यहाँ से राउंड शेप देंगे। फोर कॉर्नर्स हैं, फोर कॉर्नर्स को आप रब करेंगे और यहाँ से इसको आप शेप देंगे। अब इसमें हम अगेन इस तरह से ही लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब इसमें स्ट्रेट लाइन हम करीब करीब लाइंस ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट। ये आपने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी। सेंटर में हम यहाँ पे इसका नेम लिखेंगे, एक बॉक्स बना के यहाँ पे हम इसका नेम शो करेंगे। ठीक है, ये हमने इसका नेम शो कर दिया इंक पॉट। ये आपकी इंक पॉट जो है ये कंप्लीट हो गई है, ड्रॉ कर चुके हैं हम। अब हम इसमें कलर करेंगे। इंक पॉट में कौन सा कलर होना चाहिए? इंक आपको पता है ब्लू और ब्लैक दोनों होती हैं, हम यहाँ पे ब्लू कलर करेंगे। जो आपने इंक पॉट ड्रॉ की है इसकी आउटलाइन के साथ आप कलर करेंगे, आउटलाइन से बाहर आपका कलर नहीं जाना चाहिए। जो हमने इसका ये नेम लिखा है इंक पॉट, हम यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे इंक पॉट पे हम जो नेम लिखा है इसमें मैं ब्लू कलर यूज़ नहीं कर रही। बाकी पूरी इंक पॉट में आप ब्लू कलर यूज़ करेंगे। कलर आपका कंप्लीट हो गया है। अब जो आपका इंक पॉट का कैप है हम इसमें कलर करेंगे। इंक पॉट के कैप में ब्लैक कलर करेंगे। ब्लैक कलर के लिए आप ब्लैक कलर भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो आप पेंसिल कलर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं पेंसिल से ही इसमें लाइट लाइट शेड डाल रही हूँ। पेंसिल को बहुत लाइट हाथ से मैं यूज़ कर रही हूँ, इसमें शेड डाल रही हूँ। अगर आप ब्लैक कलर यूज़ करना चाहें तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं।
नहीं तो पेंसिल से भी आप ब्लैक कलर यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक कलर की जगह आप पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका ब्लैक कलर कंप्लीट हो गया है कैप में। अब जो हमारे ये इंक पॉट लिखा है मैं इसको भी ब्लैक कर दूंगी। लाइट लाइट पेंसिल से मैं यहाँ पे शेड डाल दूंगी ताकि आपकी ये भी ब्लैंक ना रहे। ठीक है स्टूडेंट, आप देख रहे हैं ये हमारा इंक पॉट जो है कंप्लीट हो गया है। मैंने जो इंक पॉट का नेम हमने लिखा था इसमें मैंने ब्लैक शेड डाला है, इंक पॉट में मैंने ब्लू कलर यूज़ किया है और कैप में भी मैंने ब्लैक कलर यूज़ किया है पेंसिल कलर। ठीक है, अब मैं आज मैंने आपको दो चीज़ें ड्रॉ करवाई, इंक पॉट और टेबल। बहुत अच्छे से सफाई से नीट एंड क्लीन वर्क कीजिएगा। ओके, थैंक यू।